अब स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में हम लोगों को पढ़ना है कि भाई स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर में क्या क्या डाइजेशन हो रहा है। तो आपने ये पढ़ लिया कि भाई माउथ के अंदर मतलब बक्कल कैविटी में डाइजेशन शुरू होता है कार्बोहाइड्रेट का और वो करता है सलाइवरी एमाइलेज। इसके बाद स्टमक के अंदर जो डाइजेशन शुरू होता है वो शुरू होता है किसका, प्रोटीन का, वो करता है पेप्सिन। अब हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये हो गया डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के में क्या क्या डाइजेशन हो रहा है, तो पहली बात तो आप ये समझ लो कि ये होता है स्टमक। स्टमक के बाद शुरू होता है स्मॉल इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन ऐसे ही होता है आप लोगों को पता ही है, और बाद में ये सीकम होता है और फिर सीकम से लार्ज इंटेस्टाइन शुरू हो जाएगा। ये अब देखो इसमें मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे होता लीवर, बाएं साइड में होता है स्टमक, दाहिने साइड में होता है लीवर। लीवर से दो डक्ट निकलती है, और इसमें आकर के सिस्टिक डक्ट मिल जाती है गाल ब्लैडर से, और ये कॉमन बाइल डक्ट है जो कि और इधर ही आपने पढ़ा था कि भाई यहाँ पे पैंक्रियाज होता है ऐसे, और ये आकर के इस तरीके से पैंक्रियाटिक डक्ट जो होती है इसमें मिल जाती है, और ये जो दोनों डक्ट हैं यहाँ पे स्फिंक्टर ऑफ ओडाई होता है, और ये हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट, ये जो कॉमन डक्ट हो गई, ये हो गई सीवीडी कॉमन बाइल डक्ट, और ये हो गई पैंक्रियाटिक डक्ट पीडी, और ये जो हो गई ये हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट, हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट यस पीडी। ठीक, तो कुल मिलाकर के अब देखिए क्या है कि भाई यहाँ से खाना बढ़ा है स्टमक के आगे आएगा डुडनम में, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में। जब खाना यहाँ से आगे बढ़ेगा इधर, तो ये जो खाना आया इसमें दो जूस तो यहाँ से मिल गए, इधर से क्या आया इसमें आया बाइल, बाइल इधर से आ गया, और इधर से आया पैंक्रियाटिक जूस, जूस। ठीक, तो ये तो दो समझो, यहाँ पे जूस आकर के इधर से खाना आया और खाने में ये सब जूस आकर के मिल गया। अब मान लो मैं खाने को ब्लैक से मिला दूँ, तो मतलब यहाँ पे समझो ये खाना बढ़ा था, खाना भरा था इसमें ब्लैक ब्लैक, ये आगे बढ़ा। ठीक, ये आगे बढ़ा और आ करके इसमें जूस भी मिल गया, दो जूस तो ये हो गए। दूसरा जो ए इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन के अंदर में भी आपको पता है कि इसमें भी इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स होती हैं। ठीक, ऐसे समझिए कि ये ग्लैंड्स हैं, ये भी अपना सिक्रीशन इसमें पोर करती हैं। इनको मैं लाल से अगर दिखा दूं, तो ये समझो इंटेस्टाइनल ग्लैंड हैं जो कि म्यूकोसा में पाई जाती हैं, और ये अपना सिक्रीशन इसमें आ करके मिला देंगी। तो खाने के अंदर में स्मॉल इंटेस्टाइन में तीन जूस हैं, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में कुल मिलाकर के तीन जूस आकर के खाने में मिलते हैं। अब इसमें कौन कौन सा जूस है, तो एक तो है भैया पैंक्रियाटिक जूस, दूसरा कौन सा जूस है, दूसरा है बाइल। बाइल कहाँ से आया, लीवर से। पैंक्रियाटिक जूस कहाँ से आया, पैंक्रियाज से। और तीसरा है इंटेस्टाइनल जूस, इंटेस्टाइनल जूस। ठीक, इंटेस्टाइनल जूस का मतलब ये आंत वाली जो ग्लैंड है, इंटेस्टाइन के अंदर जो ग्लैंड है वहाँ से सिक्रेशन हुआ। तो खाने का जो जब स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना पहुँचा, तो उसमें कौन कौन से तीन तरीके के जूस उसमें जा कर के मिलते हैं। अब ये जितने भी जूस हैं इनके बारे में हम लोगों को पहले पढ़ लें कि भाई जो है पैंक्रियाटिक जूस में क्या है, बाइल क्या चीज़ होती है, और इंटेस्टाइनल जूस क्या होता है। ये जब हम लोग पढ़ लेंगे तब हम जो है आगे ये जान पाएंगे कि इन सब का काम क्या है। तो पहले तो हम लोग पैंक्रियाटिक जूस के बारे में पता करें कि भाई पैंक्रियाटिक जूस क्या होता है।
तो पहला तो हम लोग पढ़ेंगे पैंक्रियाटिक जूस के बारे में। जूस, अब देखो पैंक्रियाटिक जूस में इतनी चीज़ें होती हैं, सब इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, ठीक। तो कौन कौन सा होता है? एक तो होता है ट्रिप्सिनोजन, फिर काइमोट्रिप्सिनोजन, तीसरा प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज, चौथा न्यूक्लियस लाइपेज और एमाइलेज। कुल मिलाकर के ये छह एंजाइम होते हैं जो कि पैंक्रियाटिक जूस में होते हैं, और इसको अब याद करना पड़ेगा आपको, है ना। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। पैंक्रियाटिक जूस, कुल आपने ये देखा भाई, स्मॉल इंटेस्टाइन में तीन तरीके का जूस आकर के मिलेगा, और ये तीनों जो पैंक्रियाटिक जूस हैं, पैंक्रियाटिक जूस में ये छह तरीके के एंजाइम होते हैं। अब इसको जैसे आपको मान लो भूल सकता है कि भाई कौन कौन से एंजाइम थे, तो इसका एक फार्मूला मैं आपको लिखवा दे रहा हूँ। पंकज तर काई पर नीला, पंकज मतलब हो गया पैंक्रियाटिक जूस, तर तर मतलब ट्रिप्सिनोजन, काई मतलब काइमोट्रिप्सिनोजन, पर मतलब प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज, और नीला का मतलब यन एल ए, नीला मतलब यन से हो गया न्यूक्लियस, यल से हो गया लाइपेज, और ए से एमाइलेज। तो कुल मिलाकर के आपने देखा कि ये हो गया भैया पंकतर काई पर नीला। ये आप चाहें तो जिन लोगों को ऐसा लगता है, देखिए इसका लाभ है, अब ये लाभ हमने लिया है, बहुत लोन लिया है, और ये एक अलग टाइप की स्टडी है, इसमें कोई आपको इतना मान के चलिए, मेरे भरोसे पे रहिए, कुछ आपका ज़्यादा समय भी नहीं लगना है, इसको अलग एक कापी में लिख लिया करिए फार्मूले, इसको बस एक बार पढ़ लीजिए, 30 दिन में आपको खुद ही याद हो जाएगा, और आपको इतना कॉन्फिडेंस रहेगा कि मुझे, मेनली आदमी क्या भूलता है, यही भूल जाता है कि भाई पता नहीं क्या क्या कौन कौन सी एंजाइम थी पैंक्रियाटिक जूस में। ऐसे आपको अगर देखना है तो भाई ये तीन जो एंजाइम हैं ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करती हैं। न्यूक्लिक एसिड होगा तो उसके लिए न्यूक्लिक एसिड चाहिए, लाइपेज का काम है फैट को एब्जॉर्ब करना, एमाइलेज का काम है कार्बोहाइड्रेट को। देखो हमको खाने में बस तीन ही चीज़ को डाइजेस्ट करना है, और पैंक्रियाटिक जूस जो है उसमें देख रहे हो हर तरीके की जो कुछ खाने में है उसको डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम है, इसीलिए पैंक्रियाटिक जूस को कम्प्लीट डाइजेस्टिव एंजाइम माना जाता है। क्योंकि आपको खाने में क्या क्या डाइजेस्ट करना है भाई, आपको कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट करना है जिसके लिए एमाइलेज है इसमें, आपको फैट डाइजेस्ट करना उसके लिए लाइपेज है, आपको न्यूक्लिक एसिड डाइजेस्ट करना न्यूक्लियेज है, और प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए आपके पास ट्रिप्सिनोजन काइमोट्रिप्सिनोजन और कार्बोक्सी पेप्टाइडेज है। तो इस तरीके से जो पैंक्रियाटिक जूस है वो मेनली क्या है कि पैंक्रियाटिक जूस एक कम्प्लीट डाइजेस्टिव जूस होता है, जिसमें प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम्स होते हैं, जिसको कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम होता है, जिसमें फैट को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम होता है, और जिसमें न्यूक्लिक एसिड को भी डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम होते हैं, ठीक। तो कुल मिलाकर के आपको मैंने बताया कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसमें तीन तरीके के जूस सिक्रीट होते हैं, पहला है पैंक्रियाटिक जूस, दूसरा है आपका बाइल, और तीसरा कौन सा है, वो तीसरा है इंटेस्टाइनल जूस।
अब देखो मैं पैंक्रियाटिक जूस के बारे में आपको बताया, मैंने एक फार्मूला भी बता दिया, पंकज तरकाई पन्नीला, इसको आप याद कर लीजिए, एकदम बहुत आसान है, इससे आपको एक थोड़ा सा सहायता मिल जाएगी, हेल्प हो जाएगी कि भैया जो है पैंक्रियाज में क्या क्या चीज़ है। अब देखो ये काम कैसे करता है, अब इसमें जैसे मान लो कि पैंक्रियाज से जो आता है तो इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से, जैसे ये सब क्या है इनएक्टिव फॉर्म में है, ठीक, जितने भी एंजाइम इसमें हैं सब इनएक्टिव हैं, मतलब सुस्त हैं, सुसुप्त अवस्था में हैं। अब क्या होता है, ये जो ट्रिप्सिनोजन है, ट्रिप्सिनोजन क्या होता है कि एक एंजाइम होता है इंटेरोकाइनेज, और इंटेरोकाइनेज जो एंजाइम है उसको सिक्रीट कौन करता है, उसको सिक्रीट करते हैं इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, ठीक। तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है इंटेरोकाइनेज, तो इंटेरोकाइनेज क्या करता है कि जो इनएक्टिव ट्रिप्सिनोजन है, ठीक, इंटेरोकाइनेज, इंटेरोकाइनेज क्या कर रहा है, यहीं से मैं कर दूं, ये जो ट्रिप्सिनोजन है आपका ये है ना, ये इंटेरोकाइनेज इसको बदल देता है एक्टिव ट्रिप्सिन में, ट्रिप्सिन, ठीक। ये जो ट्रिप्सिनोजन है, जहां पे जेन लग जाएगा वो समझो कि एक्टिव नहीं है, तो मतलब क्या हो गया, जैसे काइमोट्रिप्सिनोजेन, तो ये काइमोट्रिप्सिनोजेन भी एक्टिव नहीं है, काइमोट्रिप्सिन बनेगा तब ये एक्टिव हो जाएगा। तो कुल मिला के जो आपके पास ट्रिप्सिनोजेन है वो इन प्रेजेंस ऑफ इंटेरोकाइनेज कन्वर्टेड इनटू एक्टिव ट्रिप्सिन, और एक्टिव ट्रिप्सिन क्या करता है कि ये जितने इनएक्टिव एंजाइम्स हैं इन सबको एक्टिवेट करता है, इनको एक्टिव बदल देता है, एक्टिवेट कर देता है, तो ये लोग जो होते हैं एक्टिव हो जाते हैं, जिससे अपना काम करेंगे, जो भी डाइजेशन का काम इनको करना है। तो ये फार्मूला, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई बताओ इंटेरोकाइनेज क्या करता है, तो इंटेरोकाइनेज के बारे में एक फार्मूला मैं इसलिए बता दे रहा हूँ ताकि आप एकदम से इसको कंफ्यूज ना हो, तो इसको लिख लो इंटरकिन तेज ट्रिप्सिनोजन, देखो ये फार्मूले जो मैं बना रहा हूँ इसके फायदे क्या हैं, पहले तो दो तीन बातें जान लो। जैसे आज तक भी आप लोगों ने बहुत फार्मूले पढ़े होंगे और बहुत जो है उसमें ज़्यादातर फार्मूलों में कैसे होता है, जैसे किसी ने कहा कि टी इज वेरी डिलीशियस, या आपने ये कहा कि ही इज ए वेरी गुड बॉय, ठीक, इस तरीके के फार्मूले आपको पढ़ाए जाते हैं। अब ही इज ए वेरी गुड बॉय का मतलब क्या है कि ही से एच ले लेंगे, इससे आई ले लेंगे, बेरी का मतलब बी ले लेंगे, गुड का जी ले लेंगे, बॉय का मतलब, फिर ही के मतलब एच का मतलब कुछ होगा, आई का कुछ मतलब होगा, टी का कुछ मतलब, इस तरीके के होते हैं। तो इससे हमें बहुत ही, पहले तो ये नहीं पता चल पाता ये फार्मूला है किसका, दूसरा ये नहीं पता चल पाता कि भैया ही का मतलब क्या है, एच का मतलब क्या है, टी का मतलब, जबकि जो ये फार्मूले हैं ये फार्मूले इसमें कुछ है ही नहीं, इसमें एकदम से समझिए आप सेंटेंस को पढ़ रहे हैं, सेंटेंस को जैसे ऐसे रिवाइज कर रहे हैं, ये सब सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें कि आप बहुत बार कन्फ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने इन सब के फार्मूले बनाए हैं, और आप एकदम से आराम से इसको, जैसे इंटरकीन टेज ट्रिप्सिनोजन, इससे आपको कुछ पढ़ना नहीं, या तो आप ये पढ़िए कि भाई इंटेरोकाइनेज कन्वर्ट्स इनएक्टिव ट्रिप्सिनोजन इनटू ट्रिप्सिन, एक्टिव ट्रिप्सिन, ठीक, या फिर आप सीधा ये तो इंटरकीन टेज ट्रिप्सिनोजन, मतलब ट्रिप्सिनोजन को तेज कर देता है कौन, इंटेरोकाइनेज। तो इससे जो है जितने भी कन्फ्यूजिंग है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता ना कि मेन समस्या ही आती है, जैसे मान लो मैं अभी डाइजेशन पढ़ा रहा हूँ, तो डाइजेशन के अंदर जो भी चीज़ें होंगी वो आपको कंफर्म हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी, लेकिन एक ज़माना ऐसा आता है कि जब आपको बहुत सिंपल चीज़ें जो होती हैं वो कन्फ्यूजन में आने लगती हैं, क्योंकि जब ढेर सारी चीज़ें इकट्ठा होने लगती हैं तब उस समय ये सब चीज़ें आपको इतना कॉन्फिडेंस देती हैं कि मुझे तो यार क्लियर है, क्योंकि मुझे फार्मूला पता है। और मैं आपको बताऊँ कि एक घंटे में आप 500 फार्मूले जो है कम से कम रटेंगे, और मैं आपको बता रहा हूँ कि 500 फार्मूले अगर आप एक घंटे में आप पढ़ रहे हैं, तो आप समझिए 500 फार्मूले कम से कम 1000 से 1500 क्वेश्चन कवर करेंगे, और जो कि बहुत ही समझिए कि कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होंगे, क्योंकि इंटेरोकाइनेज क्या करता है ये आपको कंफ्यूजन होने लगेगा बाद में कि ये ट्रिप्सिनोजन को एक्टिव कर रहा था, कि पेप्सिनोजन को एक्टिव कर रहा था, कि और किसी को एक्टिव कर रहा था, तो ये एक्टिव कर रहा था कि ना एक्टिव कर रहा था, कहाँ पढ़े थे, ये कन्फ्यूजन होने लगता है। तो इसलिए खासकर वो 70% लड़के जो कि थोड़े से बहुत ब्रिलियंट नहीं है, जो गॉड गिफ्टेड नहीं है, उनके लिए ये सब चीज़ें एकदम से रामबाण हैं,
और वो कुछ ना करें, ये आप समझिए एक घंटे में आप 600 से 500 से 600 फार्मूले आप रिवाइज करेंगे, 500 से 600 फार्मूले आपको जो है 1500 से 2000 बहुत ही कंफ्यूजिंग और कठिन जो क्वेश्चंस हैं उनको आपको ये साल्व करने में मदद देंगे। और आप ये समझो कि आप कितना भी तेज करते हो, आप एक घंटे में 1500 क्वेश्चन नहीं रिवाइज कर सकते। केवल यही एक तरीका है जिससे आप कर सकते हो, इसमें कहीं तो इंटर की इन तेज टिप्स सुजन का मतलब है इंट्रो काइनेज एक्टिवेट्स ट्रिप्सिनोजन, तो देखो मैंने अब आपको पूरा जो पैंक्रियाज के बारे में बता दिया। पैंक्रियाज में 6 एंजाइम्स होते हैं, कौन कौन होते हैं, पंकज तर काई पर नीला ट्रिप्सिनोजन, काई मतलब काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइड ए, न्यूक्लियर लाइपेज एमाइलेज, ठीक 6 हो गए। इसके बाद आपको ये भी बता दिया कि ये कैसे एक्टिवेट होते हैं, तो आपने कहा कि एक इंट्रोकाइनेज जो होता है एक एंजाइम होता है जो कि इंटेस्टाइनल म्यूकोसा सिक्रीट करती है, और इंट्रोकाइनेज क्या करता है ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में बदल देता है। इसके बाद जो एक्टिव ट्रिप्सिन होता है ये जितने भी और इनएक्टिव एंजाइम्स ऑफ पैंक्रियाटिक जूस हैं उन सबको एक्टिवेट कर देता है, ठीक। तो भैया जी आपने अभी तक, अब हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन का डाइजेशन पढ़ रहे हैं, जिसमें पहला हमको पढ़ना था कौन सा जूस, वो पढ़ना था पैंक्रियाटिक जूस। पैंक्रियाटिक जूस के बाद हमारे पास आता है बाइल, और तीसरा कौन सा आता है, तीसरा है इंटेस्टाइनल जूस। तो चलो हम लोग पढ़ लेते हैं, इसके बाद फिर यहां तक की बात मैंने आपको बता दिया। इसके बाद अब देखो दूसरा आता बाइल, बाइल के बारे में जितना लिखा है उतना पढ़ लो बस। बाइल रिलीज इनटू ड्यूडेनम कंटेन्स द बाइल पिगमेंट बिलिरुबिन एंड बिलिरुबिन, बाइल साल्ट, कोलेस्ट्रॉल एंड फास्फोलिपिड बट नो एंजाइम। बाइल हेल्प्स इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, दैट इज ब्रेक डाउन ऑफ फैट इनटू वेरी स्मॉल माइसलीज। बाइल आल्सो एक्टिवेट्स लाइपेजेज, ठीक। तो बाइल के बारे में बस इतना आपको जानना है। इसके बाद जो है हमारा इंटेस्टाइनल जूस के बारे में आ जाएगा। तो पहले तो भैया हम लोग अब बाइल के बारे में पढ़ लें। तो हमने कहा स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 तरीके के जूस मिलते हैं, पहला जो होता है आपका होता है पैंक्रियाटिक जूस, दूसरा बाइल, तीसरा इंटेस्टाइनल जूस। तो दूसरा हो गया बाइल, बाइल के बारे में पढ़ो। तो बाइल में क्या क्या होता है, बाइल मैंने बताया कहां से आता है, लीवर से आता है, लीवर सिक्रिय करता है बाइल। बाइल का काम क्या है, ये फैट का डाइजेशन करवाने में हेल्प करता है, क्या करता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करता है। चलो फिलहाल उसको हम बताते हैं क्या करता है, पहले तो आप ये जान लो बाइल में होता क्या है। पहले तो होता है बाइल पिगमेंट बाइल में, ठीक। दूसरा बाइल साल्ट, तीसरा कोलेस्ट्रॉल, और चौथा फास्फोलिपिड। बट नो एंजाइम, कोई एंजाइम नहीं होता इसमें, ठीक। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बताओ भाई कि बाइल में कोई एंजाइम होता है कि नहीं, तो बाइल में कोई भी एंजाइम नहीं होता। क्या क्या होता है, यही 4 चीज़ होती है, क्या क्या, बाइल पिगमेंट होता है, बाइल साल्ट होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, और फास्फोलिपिड होता है। अब बाइल साल्ट, बाइल पिगमेंट कौन कौन होता है, तो एक होता है बिलीरुबिन और दूसरा बिलिरुबिन। तो ये जो बिलीरुबिन और बिलिरुबिन होते हैं ये बाइल पिगमेंट होते हैं। बाइल पिगमेंट जो होते हैं ये पीले पीले होते हैं, देखते होंगे किसी को अगर यही बढ़ जाते हैं जिसके ब्लड में तो उसकी आंख पीली हो जाती है, कहते हैं इनको क्या हो गया, पीलिया हो गया, ठीक। तो ये जो होते हैं एक्सक्रीट करने के, ये बहुत ही जहरीले होते हैं, इनको तुरंत आउट करना होता है बाहर, शरीर से बाहर निकलना। अगर किसी कारण से ये नहीं निकल पा रहे हैं या बहुत ज़्यादा शरीर में बन रहे हैं तो खून में बाइल बढ़ जाता है, बाइल पिगमेंट, और बाइल पिगमेंट बढ़ गया तो फिर पीला हो जाएगा। और इसके बड़े नुकसान है, देखते होंगे जिसको पीलिया हो जाता है उसको भूख नहीं लगता, उल्टी जैसी लगती, बहुत कमजोरी लगती है। तो ये अगर शरीर में बढ़ जाए
तो आदमी को भूख नहीं लगेगी, उल्टी होने लगेगी, और दूसरा ये है कि बहुत ही कमज़ोर हो जाएगा आदमी। ठीक, बाइल साल्ट। अब बाइल साल्ट के बारे में ज़्यादा इसमें चूँकि लिखा नहीं है, वैसे सोडियम टारोकोलेट, सोडियम ग्लाइकोकोलेट ये सब होते हैं, लेकिन चूँकि इसमें कुछ लिखा नहीं तो इसलिए हम लोगों को बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं। बस इतना जान लो कि बाइल साल्ट होता है। तो एक क्या हो गया, बाइल पिगमेंट होता है, बाइल साल्ट होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, फास्फोलिपिड होता है, और कोई एंजाइम नहीं होता। तो बाइल के बारे में आपको इतना ही जानना है। ठीक, दूसरा बाइल का काम क्या है, तो बाइल का काम है इमल्सिफिकेशन, फिकेशन ऑफ फैट। फैट का इमल्सिफिकेशन करता है। फैट का इमल्सिफिकेशन का क्या मतलब है, इमल्सिफिकेशन का मतलब है कि उसको पतले पतले उसमें तोड़ देना। जैसे मान लीजिए आपने कभी देखा होगा कि जब आप कपड़ा धुलते हो तो कपड़े में जो मैल होती है, जब मैल में क्या किया जाता है कि सरफ या निरमा आपको डालते हैं, तो निरमा और सरफ क्या करता है कि उसके अंदर में जा करके मैल को बहुत छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देता है, जिससे कि फिर उसके अंदर पानी जाता है और वो साफ़ हो जाता है। इसी तरीके से फैट मान लो बड़ा सा आया, अब उसके अंदर जैसे बाइल डालेंगे तो बाइल साल्ट क्या करेगा, उसको जा करके इमल्सीफाई कर देगा, मतलब उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देगा पूरे को। और जब वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा, और जो ये छोटे छोटे टुकड़े में टूटता है इसी को बोला जाता है माइसेली, जो छोटे छोटे फैट, तो इमल्सीफिकेशन ऑफ फैट, और जिससे बन जाता है माइसेलीज। तो ये माइसेलीज में तोड़ देते हैं। ठीक, तो अब बाइल के बारे में बस आपको इतना जानना है कि बाइल में क्या क्या होता है। बाइल पिगमेंट होता है, बाइल साल्ट होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, फॉस्फोलिपिड होता है, कोई एंजाइम नहीं होता। और दूसरा बाइल क्या करता है, बाइल का दूसरा काम होता है कि एक्टिवेट्स लाइपेजेस। लाइपेजेस, लाइपेज का क्या काम है, लाइपेज है फैट को ये डाइजेस्ट करता है, फैट को फैटी एसिड और ग्लिसराल में तोड़ेगा। ठीक, जैसे फैट आया, फैट बड़ा सा है, उसमें बाइल डाला गया, बाइल ने क्या किया, उस फैट को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया, जिसको बोला गया माइसेली। माइसेली पे आकर के लाइपेज ने काम किया, लाइपेज ने उसको और तोड़ दिया, किसमें, फैटी एसिड और ग्लिसराल में। यही हो गया आपका डाइजेशन फैट का। ठीक, तो अब आपको यह समझना है कि बाइल के मेनली दो काम है, एक है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट और दूसरा है एक्टिवेट्स लाइपेजेस। और बाइल में होता क्या क्या है, तो बाइल पिगमेंट होता है, बाइल साल्ट होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, और फास्फोलिपिड होता है। अब इसके लिए मैं एक आपको फार्मूला भी बता दे रहा हूँ, जो कि बाइल के बारे में आप चाहो तो लिख सकते हो और आप इससे समझ सकते हो। तो इसमें लिखो बाइल, देखो हम जो फार्मूले शुरू करते हैं उसमें आपको कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं, आप पढ़ोगे जब भी होगा आपको ये आएगा भाई किसका फार्मूला, तो बाइल से शुरू ही होगा। जो भी हमारे फार्मूले होंगे जिसका फार्मूला होगा वहीं से शुरू होगा और उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं। तो बाइल बास बीपी कल फूफा तेज करे लाइपेजा देखो अब इसमें थोड़ा एक अलग टाइप की स्टडी है, इसके लिए एकदम निश्चिंत रहो। और इसमें होता क्या है कि इस तरीके की स्टडी, ये फार्मूला बेस्ड स्टडी पूरे भारत देश में ना तो कोई किया है ना तो कोई करा रहा है, लेकिन चूंकि मैं आपको बताऊं, मेरे ऊपर अगर आप भरोसा कर सकते हो इसको करके देखो, इसके लाभ आपको समझ में आ जाएंगे, और जिस दिन लाभ आपको समझ में आ जाएगा आप सबसे दुनिया में आगे होंगे। और मैं ये बता दूं कि इसमें कैसे होता है ना कि लोगों को कन्फ्यूज टेंशन रहती है कि पता नहीं ये क्या नाटक नौटंकी बढ़ा रहे हैं और ये सब क्या करना है, पता चला एक बार ऐसे पढ़ो फिर ऐसे पढ़ो। लेकिन हम लोग एक हथियार तैयार कर रहे हैं जो कि एक साल बाद उसकी ज़रूरत पड़ेगी। जैसे बहुत लोग हो गए सब पढ़ते रहे, दिन रात पढ़ते रहे, कोई उनके पास ना तो प्रोटोकॉल है ना तो कोई तरीका है कैसे पढ़ना क्या करना। लेकिन हमें क्या करना, हमारे पास स्टेप हैं कि पहले हम ऐसे पढ़ेंगे, क्वेश्चन करेंगे, फार्मूले करेंगे, फार्मूले पढ़ते रहेंगे, फिर एक ज़माना ऐसा आएगा कि हमारे पास एक फौज होगी, एक हथियार होगा, और आप ऐसे पढ़ते रहे बिना किसी लाइन के, और हमारे पास ये व्यवस्था होगी कि हम आपसे बहुत आगे निकल जाएं। तो आप ये करके देखिए, इसके बहुत अपने लाभ हैं। तो बाइल, बाइल बास का मतलब बाइल कंटेंस, बास का मतलब बाइल साल्ट, बा से बाइल हो गया, सा से साल्ट, तो बाइल साल्ट। दूसरा बीपी, बी से हो गया बाइल, पी से हो गया पिगमेंट, तो ये हो गया बाइल पिगमेंट।
कल मतलब कोलेस्ट्रॉल, और फूफा मतलब फास्फोलिपिड। फास्फोलिपिड फूफा से है फास्फोलिपिड, ठीक। और तेज करे लाइपेजा, तेज करे लाइपेजा को मतलब बाइल एक्टिवेट्स लाइपेज, एक्टिवेट्स लाइपेज, तो इसका मतलब ये हो गया। तो बाइल बास बीपी कल फूफा तेज करे लाइपेजा, तो बाइल के बारे में भी मैंने एक फार्मूला बता दिया आपको, तो समझो बाइल आपका क्लियर है, ठीक। इससे क्लियर हो गया कि बाइल क्या करता है भैया, लाइपेज को तेज करता है। दूसरा क्या करता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करता है। बाइल के अंदर होता क्या है, बाइल साल्ट होता है, बाइल पिगमेंट होता है, कोलेस्ट्रॉल और फास्फोलिपिड होता है। तो कुल मिला के हमको जो इंटेस्टाइन में देखना था, तो तीन तरीके के जूस थे। पहला था पैंक्रियाटिक जूस। पैंक्रियाटिक जूस के बारे में मैंने आपको बताया कि पैंक्रियाटिक जूस में छह तरीके के एंजाइम होते हैं। ट्रिप्सिनोजन होता है, काइमोट्रिप्सिनोजन होता है, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज होता है, न्यूक्लिएज, लाइपेज और एमाइलेज होता है। और ट्रिप्सिनोजन को जो आपका इंट्रोकाइनेज होता है वो एक्टिवेट कर देता है, और इसके बाद जो एक्टिव ट्रिप्सिन होता है वो और जितने भी इन एक्टिव एंजाइम्स ऑफ पैंक्रियाटिक जूस हैं उन सबको एक्टिवेट कर देता है। बाइल को आपने देखा कि बाइल लीवर से सिक्रीट होता है, बाइल के अंदर में बाइल पिगमेंट होते हैं, बिलिरुबिन बिलिवर्डिन, बाइल साल्ट होते हैं, इसके बाद क्या क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल और फास्फोलिपिड होता है। बाइल के अंदर में कोई एंजाइम नहीं होता है। बाइल का काम है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, और दूसरा काम है लाइपेज को एक्टिव करना। अच्छा, बाइल पिगमेंट के बारे में मैंने बताया, बाइल पिगमेंट बहुत जहरीला होता है, एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है, इसको बॉडी के अंदर से तुरंत बाहर निकालने की जरूरत होती है। बाइल साल्ट का काम क्या है, बाइल साल्ट का काम है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, मतलब जो फैट है बड़ा बड़ा जो फैट होता है उसको तोड़ के बहुत छोटे छोटे फैट में बदल देता है, और जो छोटा छोटा फैट होता है इसी को बोलते हैं माइसेली, और जो माइसेली होता है उसी पे फिर लाइपेज आकर के और उसको डाइजेस्ट करता है। ये डाइजेशन आपको आगे पढ़ाया जाएगा। अब इसके आगे जो तीसरा जूस है वो भी पढ़ लिया जाए, इसके बाद आगे का हम लोग पढ़ेंगे। तो तीसरा जूस कौन सा भैया, इंटेस्टाइनल जूस। मैंने आपको बताया कि तीन जूस आकर के मिलते हैं भोजन के अंदर, किस जगह पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो तीसरा जूस है आपका इंटेस्टाइनल जूस। अब इसको पढ़ो, देखो लिखा है इंटेस्टाइनल म्यूकोसल एपिथीलियम हैज गॉबलेट सेल्स व्हिच सीक्रेट म्यूकस। तो गॉबलेट, जो म्यूकोसा में गॉबलेट सेल्स पाई जाती हैं, जब हम म्यूकोसा पढ़ा रहे थे उस समय आपको बताया था कि पहली बात तो जो म्यूकोसा होती है उसमें गॉबलेट सेल पाया जाता है जिसका काम है म्यूकस सीक्रेट करना, और जितने भी ग्लैंड्स होती हैं वो म्यूकोसा में पाई जाती हैं। सब म्यूकोसा में केवल एक ग्लैंड पाई जाती है जिसको ब्रूनर ग्लैंड कहते हैं, और वो पाया जाता है डुडेनम के सब म्यूकोसा में। तो इसमें आप पढ़ो यहाँ पे, इंटेस्टाइनल म्यूकोसल एपिथेलियम हैज गॉबलेट सेल्स व्हिच सीक्रेट म्यूकस, सीक्रेशन ऑफ द ब्रश बॉर्डर सेल ऑफ द म्यूकोसा अलॉन्ग विद द सीक्रेशन ऑफ गॉबलेट सेल कॉन्स्टिट्यूट द इंटेस्टाइनल जूस आर साइकस एंटेरिकस। तो जो इंटेस्टाइनल जूस है उसका दूसरा नाम क्या है, उसका दूसरा नाम है साइकस एंटेरिकस, ठीक। तो मैंने आपको बताया था भैया कि ब्रश बॉर्डर सेल्स होते हैं, ब्रश बॉर्डर सेल मैंने आपको बताया था कि जो बिलाई होती है इंटेस्टाइनल बिलाई, उसमें कुछ जो सेल्स जो उसको लाइन करते हैं उनसे एक एक पतला पतला ऐसे ही हेयर लाइक प्रोजेक्शन निकला रहता है जिससे कि ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस लगता है, इसको बोलते हैं। तो ब्रश बॉर्डर सेल्स जो होते हैं म्यूकोसा के अंदर होंगे, सीधी बात है, और म्यूकोसा के ही जो सेल्स होते हैं वही तो इंटेस्टाइनल जूस सीक्रेट करेंगे, क्योंकि म्यूकोसा में ही सभी ग्लैंड पाई जाती हैं। तो कुल मिला के जो साइकस एंटेरिकस होता है वो कैसे होता है, साइकस एंटेरिकस जो होता है इंटेस्टाइनल जूस, या दूसरा नाम उसका है साइकस एंटेरिकस, ये ब्रश बॉर्डर सेल्स के जो सिक्रेशन होते हैं साथ में जो गॉबलेट सेल के सिक्रेशन दैट इज म्यूकस होता है, ये दोनों मिला करके इसको हम इंटेस्टाइनल जूस या साइकस एंटेरिकस कहते हैं, ठीक। दो लिखा, दिस जूस कंटेन्स ए वैरायटी ऑफ एंजाइम्स लाइक डाइसैकेराइडेज, जैसे कि माल्टेज, डाइपेप्टाइडेज, इसके बाद लाइपेज, न्यूक्लियोसाइडेज, ईटीसी। इसके बाद लिखा हुआ है कि द म्यूकस एलॉन्ग विद द बाइकार्बोनेट फ्रॉम द पैंक्रियाज प्रोटेक्ट द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा फ्रॉम द एसिड एज वेल एज प्रोवाइड एन एल्कलाइन मीडियम, पीएच हो गया 7.8 फॉर एंजाइमेटिक एक्टिविटीज। सब म्यूकोसल ग्लैंड ब्रूनस ग्लैंड आल्सो हेल्प्स इन दिस, ठीक। तो ब्रूनर ग्लैंड कहाँ पाई जाती है वो पता ही है आपको कि डुडनम में पाया जाता है, ठीक, डुडनम के सब म्यूकोसा में। तो
इसके बाद फिर नीचे लिखा प्रोटीन्स प्रोटीजेज एंड पेप्टोन्स पार्सली हाइड्रोलोज इन द पेप्टिन काइम रीचिंग इन दर एक्टेड अपॉन द प्रोटोलिटिक एंजाइम ऑफ द पैंक्रियाटिक जूस गिवन बिलो। अब ये आगे की बात आगे पढ़ा जाएगा, पहले आप लोग एक जो है सैकस इंटेरिकस के बारे में पढ़ लो। ये तीन जूस पढ़ना था ना हमको, तो पहला आपने पढ़ा पैंक्रियाटिक जूस, दूसरा आपने पढ़ा बाइल, तीसरा आप पढ़ लीजिए इंटेस्टाइनल जूस। जूस इंटेस्टाइनल जूस का दूसरा नाम है सैकस इंटेरिकस। सैकस इंटेरिकस ठीक, ये दूसरा नाम है। इसमें होता क्या क्या है, तो इसमें एक तो होता है डाई सैकराइडेजेज, डाई सैकराइडेजेज मतलब कि ये जो है डाई सैकराइड को जो तोड़ने वाला हो। डाई सैकराइड हमारे पास कौन के होते, तीन होते हैं, एक होता माल्टोज, तो इसके लिए हो जाएगा माल्टेज, दूसरा होता सुक्रोज तो सुक्रेज, और तीसरा लैक्टोज तो इसका हो गया लैक्टेज। तो डाई सैकराइड को तोड़ने के लिए जो एंजाइम जरूरी है वो इंटेस्टाइनल जूस में पाया जाता है, जिसको बोलते हैं डाई सैकराइडेजेज, जो कि तीन तरीके के होंगे माल्टेजेज सुक्रेजेज और लैक्टेजेज। फिर दूसरा होता है डाई पेप्टाइडेजेज, पेप्टाइडेजेज ठीक। फिर इसके बाद तीसरा लाइपेजेज। देखो फैट को डाइजेस्ट करने के लिए भैया एक का एंजाइम है वो है लाइपेज ठीक। तो एक तो डाइसैकेराइड किसको, कार्बोहाइड्रेट वाला हो गया, इसके बाद डाइपेप्टाइडेज प्रोटीन के हो गया, ये फैट हो गया, और चौथी एंजाइम क्या होगी न्यूक्लिक एसिड, तो न्यूक्लियोसाइडेजेज। अब देखो इसमें ऐसे समझ लो कि होगा क्या कि जैसे जैसे नीचे आप बढ़ेंगे ना तो खाना छोटा हो जाता जाएगा। जैसे आपने कार्बोहाइड्रेट खाया, कार्बोहाइड्रेट को ऊपर तोड़ा गया, तो तोड़ा गया कैसे, पॉलीसेकराइड था उसको डाइसेकराइड में तोड़ दिया गया, आपने पढ़ा ही था कि भाई माल्टोज में कन्वर्ट हो गया। तो ऊपर से खाना जब आ रहा है तो ऊपर कार्बोहाइड्रेट को तोड़ दिया गया डाइसेकराइड में, अब नीचे जो हमें तोड़ना है डाइसेकराइड को तोड़ने वाली एंजाइम चाहिए, तो और नीचे जब इंटेस्टाइनल जूस में आए तो हमारे पास डाइसेकराइडेजेज हैं ठीक। तो डाइसैकराइडेजेज में माल्टेज सुक्रेज और लैक्टेज। फिर और आप नीचे आइए तो जैसे आपने पेट में देखा कि प्रोटीन को तोड़ दिया गया, तो प्रोटीन को तोड़ा गया पेप्टोन्स में और प्रोटीएजेज में, तो ये क्या हुआ भाई डाइपेप्टाइड, तो ये डाइपेप्टाइडेजेज हो गए क्यों, इसको मैं आप आगे जब पढ़ाऊंगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा। लाइपेज एक होता है ये न्यूक्लियोसाइडेज, जैसे न्यूक्लियोटाइड्स के बाद में जब तोड़ोगे तो न्यूक्लियोसाइड बनेगा ठीक, क्योंकि आपको पता है कि एक न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या होता है, बेस होता है, शुगर और फास्फेट होता है ठीक। तो अगर मान लीजिए उसमें से आप जो है तोड़ेंगे तो न्यूक्लियोटाइड के बाद बनेगा न्यूक्लियोसाइड, तो अब न्यूक्लियोसाइड चूंकि और नीचे आए इंटेस्टाइन में तो यहाँ न्यूक्लियोसाइडेज हो गया। तो कुल मिला के इतने होते हैं। अब इसके लिए भी एक फार्मूला है, पहली बात तो ये सैकस इंटेरिकस निकलता कैसे है, बनता कैसे है, तो ये होता है म्यूकस प्लस सिक्रीशन ऑफ ब्रश बॉर्डर सेल। सेल ठीक, तो मैंने आपको बताया था कि भाई सैकस देखिए इसमें क्या होता है, जो इंटेस्टाइनल जूस है इसी का नाम है सैकस इंटेरिकस, इसमें म्यूकस प्लस मतलब ये बनता कैसे है सैकस इंटेरिकस, तो इसमें दो चीज़ें मिलके होती हैं, एक सिक्रीशन ऑफ ब्रश बॉर्डर सेल, दूसरा म्यूकस, ये दोनों मिल करके जो होते हैं इंटेस्टाइनल जूस बनाते हैं। अब देखो हम इसको आपको पहले इसका तो एक फार्मूला भी बता दे रहे हैं,
ठीक, ताकि आपको इसका भी एक हो जाए, कुछ करना नहीं है, तीन जूस है, तीन फार्मूला रट लो, एक पैंक्रियाज का रट लो, एक जो है साइकस इंटेरिकस का रट लो, एक बाइल का रट लो, बस तीनों जूस आपका क्लियर हो गया। इसके बाद जो है डाइजेशन मैं आगे पढ़ाऊंगा ही, तो इसका फार्मूला है साइकस लाल मशीन दांव पे निकले मुख बॉर्डर इससे जो है पूरी चीजें लगभग आ जाएंगी। इसको दो तीन बार डिवाइड वो कर लोगे, साइकस कम लोगे, साइकस इंटेरिकस इंटेरिकस और साइकस इंटेरिकस का ही दूसरा नाम है इंटेस्टाइनल जूस नल जूस। ठीक, अब इसमें होता क्या क्या है, तो लाल होता है, फिर मशीन यम एस एन हो गया मशीन, दांव पे मतलब डाइपेप्टाइडेज, तो अब इसमें जो यल से हो गया लाइपेज, यल से हो गया लैक्टेज, यम से हो गया माल्टेज, यन से हो गया न्यूक्लिएज या न्यूक्लियोसाइडेज, दांव पे डाइपेप्टाइडेज, और निकले मुख बॉर्डर, ये निकलता कहाँ से है, तो सिक्रीटेड बाय म्यूकस सेल प्लस बॉर्डर सेल, ब्रश बॉर्डर सेल। ठीक, तो कुल मिलाकर के ये कितना आसान है। अब देखो, जैसे आपको पता है ये लैक्टेज माल्टेज और लैक्टेज माल्टेज और यस से सुक्रेज हो जाएगा ना, सुक्रेज, ये तीनों क्या हैं, ये हैं डाइसेक्राइडेज हैं, ये ठीक। तो कुल मिलाकर के आपने देखा कि स्मॉल इंटेस्टाइन में तीन तरीके का जूस आकर के मिलता है, एक तो पैंक्रियास से निकलने वाला जूस दैट इज पैंक्रियाटिक जूस, इसमें छह एंजाइम होती हैं, ट्रिप्सिनोजन होता है, काइमोट्रिप्सिनोजन होता है, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज होता है, न्यूक्लियर लाइपेज और एमाइलेज होता है। और आपने इसमें देखा कि जो ट्रिप्सिनोजन होता है उसको एक्टिवेट करता है इंटेरोकाइनेज, और जो एक्टिव ट्रिप्सिन होता है वो जितने इनएक्टिव मतलब एंजाइम्स ऑफ द पैंक्रियाटिक जूस हैं उन सबको एक्टिव करता है। दूसरा बाइल, बाइल में आपने देखा कि बाइल पिगमेंट होता है, बाइल साल्ट होता है, कोलेस्ट्रॉल और फास्फोलिपिड होता है। बाइल पिगमेंट बिलीरुबिन और बिलीबर्डिन होते हैं जो कि बहुत ही जहरीले होते हैं, इनको आपको बॉडी से बाहर निकालना होता है। बाइल साल्ट का काम है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, फैट को इमल्सिफाई करता है, मतलब बड़े बड़े फैट को छोटे छोटे टुकड़ों में छोटे छोटे फैट ग्लोबुल्स में तोड़ देता है, जो छोटे फैट ग्लोबुल्स होते हैं इनको बोला जाता है माइसेली। दूसरा काम बाइल का है कि ये लाइपेज को एक्टिवेट करता है। इसके बाद तीसरा हमारे पास इंटेस्टाइनल जूस है या दूसरा उसका नाम है साइकस इंटेरिकस, ये कहाँ से सिक्रीट होता है, तो ये गॉबलेट सेल का सिक्रीशन प्लस ब्रश बॉर्डर सेल के सिक्रीशन से मिलकर के बनता है, जिसको बोला जाता है इंटेस्टाइनल जूस या साइकस इंटेरिकस। इसमें होता क्या क्या है, तो इसमें होता है डाइसेक्राइडेज, डाइसेक्राइडेज का मतलब क्या हो गया, इसमें माल्टेज हो गया, सुक्रेज हो गया और लैक्टेज हो गया। दूसरा डाइपेप्टाइडेज पाए जाते हैं, डाइपेप्टाइडेज के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, डाइपेप्टाइडेज को तीन होते हैं, और इसके बाद फिर इसके बाद कौन सा आता है आपके पास, डाइपेप्टाइडेज के बाद में, फिर इसके बाद आपका जो आ जाता है वो लाइपेज हो गया और इसके बाद न्यूक्लियोसाइडेज हो गया। ठीक, तो इतने एंजाइम्स होते हैं, इसके बारे में आपको बहुत ही आसानी से बता दिया गया है कि इसमें आप आराम से जान सकते हैं कि सैकस लाल मशीन दांव पे निकले मुख बाढ़। तो कुल मिला के तीन चार फार्मूले हैं इंटरकिन तेज ट्रिप्सिनोजन, तो ये इतने सात आठ दस फार्मूले बताए हैं, लेकिन जहाँ जहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो सकता है वो चीज़ें एकदम से इससे क्लियर रहेंगी, कभी कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा और कभी आपका कॉन्फिडेंस लूज नहीं होगा। ठीक, तो मुझे लगता है कि आज जो है काफ़ी आप लोगों को पढ़ा दिया गया है, इसके बाद का जो कुछ है वो मैं अगले टर्न में डाइजेशन कैसे क्या करना है, कहाँ पे क्या हो रहा है, कैसे क्या है, इस चीज़ को पढ़ाऊँगा। एक दो तीन लेक्चर में आपको डाइजेशन को एकदम बहुत अच्छे से पढ़ा दिया जाएगा कि एकदम से कहीं पे आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो चलो भैया जी लोगों, बहुत बहुत धन्यवाद।